तो गुड मॉर्निंग। तो नहा धो के अपन हो गए फ्रेश, और आज मौसम फिर से बहुत बढ़िया है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, धूप दो तीन दिन से नज़र नहीं आ रही है, और टाइम हो रहा है इस टाइम 10। मम्मी ने नाश्ता वगैरह भी रख दिया है यहाँ पर। तो नाश्ते में आज है तोरी की सब्जी, चाय, रोटी। मम्मी बोलो क्या बोल रही हूँ। खरीद खरीद के गांव में फ्री में खा रहे हैं। देखो तो हम लोग गांव के ब्लॉग्स देख रहे हैं, मतलब देखते रहते हैं, तो वहां पे आजकल तोरियों का सीज़न चल रहा है, तो ककड़ी और उनकी राजमा और पता नहीं क्या क्या सब्जियां अलग रखी है, तो मम्मी को वो देख के मज़ा आ रहा है। दरअसल मन तो हमारा भी करता है गाँव में रहने का, लेकिन भाई पॉसिबल हर किसी के लिए है नहीं, पलायन ऐसे ही नहीं हो रहे गाँव में, और अभी भी पलायन कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। कई जगहों पर देखा, कहीं घर टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चली रही है। तो गाँव में रहना भी आसान है नहीं, मन तो करता है लेकिन क्या करें, पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा। तो चलिए हम फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी की तैयारी हो गई मामी के घर जाने की, और मेरी तैयारी हो गई है। पापा का चश्मा टूट गया है, डंडी हो गई है अलग, तब मुझे जाके ये ठीक करवाना है, ये ठीक करवाना है। तो चलते हैं, इसे ठीक करवा के आते हैं। अभी ठीक होता ही नहीं होता पहले तो यही नहीं पता, बाकी चल के पता करते हैं क्या होता है। कैसे हो? बोल बोल। हाँ हाँ बोल ना, सब देखेंगे तुझे। फिर बोल बोल दोस्तों, कैसे हो? बोल, अरे बोलना, अरे बोलना, अरे बोलना, बोलना, अरे बोल दे, अरे बोलना। तो भाई पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल डलवा लेते हैं इसमें पहले, और अभी यहाँ पेट्रोल चल रहा है 94, फटाफट से पेट्रोल डलवाते हैं। तो भाई आ गए हम घूम फिर के, भटक भुटक के। तो चश्मा बनने से तो मना हो गया है, क्योंकि वो अंदर का टूट चुका है, तो फ्रेम ही चेंज होगा, तो अब उसे पापा खुद ही कराएंगे, क्योंकि क्या फ्रेम पसंद आता है क्या नहीं हमें नहीं पता। बाकी अब घर पहुंचे हैं भाई। घर से मैं निकला था करीब करीब 11:30 के आसपास निकला था, 1:30 बज चुका है, तब से कभी इधर कभी उधर कभी उधर भागे जा रहा हूँ, ऐसा भी दिन चलता है कभी कभी। इधर भाई बंदे उछाल देता है, बस बताता है नहीं कहाँ जा रहे हैं तेरी। तो आज गोलू महाराज लेके आया हमें सोनू चाइनीज कॉर्नर पे। अब क्या ऑर्डर करते हैं देखते हैं, मेन्यू ये रहा सारा का सारा। बस भाई यही जिंदगी है, इधर उधर, बाकी मौसम के नज़ारे तो एक नंबर है। मौसम देख देख के लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे कि मौसम कितना मौसम दिखाएगा ये, क्या ही बोले, मौसम बढ़िया है भाई, एक नंबर मौसम। तेरे घर वो मेहमान बन के आया है, कभी नहीं मंगाया जा रहा उसके लिए, क्यों लेके आया उसे अपने घर होटल में? मेरी तो होटल में बिकेगी कहीं, गुस्सा तो वही हो में बिकेगी कहीं, मैं दिलवा सकता हूँ। हाँ होटल में तू अपनी पिलवा, वो अपनी पिलवाएगा। ये मेरा मेरा पिलो, चल ठीक है। अरे रुक जा मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ा, फिर पहुंच के दे कॉल। हाँ चल कोई नहीं, फिर नहीं कॉल देगा। कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी प्यार भरी बातें करता है हमारा गोलू भाई। इतनी इज्जत किसी को मिली है कभी? जितनी इज्जत दे रहा है ये। शाबाश गोलू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जी दुकान का सामान कर रहे हैं खाली और चलते हैं दुकान की तरफ। गोलू महाराज पहुंच चुके हैं और
सारे गमले वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। कहाँ खोलेंगे, कब खोलेंगे, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे? आप लोग सब अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो, और फॉलो करो। फ्लाइंग किस दे दो सबको, फ्लाइंग किस इधर कैमरे पे। हाँ अब बाय कर दो, बोलो मैं काम करने जा रहा हूँ। बाय, मैं काम करने जा रहा हूँ। ओके, ये पहुँच गए हम शॉप पे और ये छोटा हमारा लगा पड़ा है भाई साहब शैतानी पे। और ये देखो शिफ्टिंग हो रही है पूरी, बोरा गोलू महाराज। और सामान हम काफ़ी ज़्यादा खाली कर चुके हैं यहाँ पे से। अरे भाई ये नहीं, पहले ये पड़ेंगे ना। तो आप इतना है क्या गोलू को, आप देख सकते हो पहली और आखिरी बार मेहनत कर रहा है ये भाई, इसका लास्ट है, इसके बाद ये कुछ नहीं करने वाला। सोनू उठा ले भाई जो उठाना है, और सोनू भी आ चुका है। तो हमें गालियां पड़ेंगी, हम भी फटाफट से उठवा लेते हैं पहले सामान। ये भी दिखा दो, मैंने आपको दिया ही है, फटाफट सामान रखवाते हैं। तो इस टेम्पो में सामान जाने वाला है और फटाफट खाली करवा लेते हैं। तो भाई अभी गमले वगैरह सारे हमने चढ़ा दिए हैं, खाली कर दी है दुकान, और अब सिर्फ पंखा उतार रहे हैं। तो पंखा उतारने की वजह से बैठे हैं क्योंकि सीढ़ी नहीं मिल पा रही है, बड़ी सीढ़ी चाहिए। और हमारा ये छोटा पहलवान है, इसने सारे गमले उतरवा दिए अकेले ही, है ना? हाँ, इसने सारे गमले रखवा दिए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, है ना? हाँ। तो अब फटाफट से पंखा उतार के फिर यार घर निकलते हैं। हालत देखो बहुत बुरी हो चुकी है, पसीना पसीना हो चुका है, और बस इसके बाद घर चलते हैं, फटाफट से पंखा उतर जाए बस। और आप लोग यार वीडियो देखते रहो इसी तरीके से, और सब्सक्राइब करो नए हैं तो। तो भाई अब चाय नसीब में आ गई है, आज लग रहा था चाय छूट जाएगी, क्योंकि टाइम देखो आप 7:15 इस टाइम हो रहे हैं, और अब चाय बनी है क्योंकि मैं दुकान पे था, घर पे कोई था नहीं, तो मम्मी ने भी बनाई नहीं। शायद मम्मी को, मम्मी ने गली में चाय पी ली आज अपनी सहेली के घर पे। नहीं पी तुमने बुआ के घर में? नहीं पी कहीं भी? नहीं पी बिहारी आंटी यहाँ भी? नहीं पी मम्मी को भी चाय नहीं मिली, वैसे तो मम्मी को मिल जाती भाई, हमें ही नहीं मिलती। तो पकौड़ी बन रखी है, अब ये पकौड़ी इसलिए बनी क्योंकि मम्मी आज कड़ी बना रही है, तो पकौड़े बनते हैं तो वो निकाल लिए थोड़े से। तो चाय के साथ पकौड़े इन्जॉय करते हैं, और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है, उस हिसाब से आपसे फिर से मिलते हैं। तो भाई खाना लग चुका है अपना, अभी तुम्हारी तरफ नहीं, अब करो, बहुत बढ़िया खाना लग चुका अपना, कड़ी और भात, और वो देखो कटोरे में ही मिसेगा ये वो। और सोनू ने हाथों में मेहंदी लगा रखी है, वो अभी किसी को दिखा नहीं सकता जब तक रंग पक्का नहीं आएगा, वरना अन्नू से कूट कूट के लाल कर देगी। इसलिए सोनू ने हाथ और मुंह दोनों छुपा रखे हैं, और अन्नू गुस्से से कड़ी पकोड़े खा रही है, कह रही अभी तो पकोड़ा ही चल रहा है, इसका पकोड़ा बना दूंगी मैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को करते रहिए, और वीडियो को भी करते रहिए, और कमेंट भी करते रहिए, धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।